LIC एजेंट पोर्टल का यूज करने के लिए LIC एजेंट ऐप का यूज आज लगभग सभी LIC एडवाइजर्स करते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर उनके ऐप अनइंस्टॉल हो गए हैं और जब वो प्ले स्टोर में ढूंढते हैं तो अभी फिलहाल वो प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं मिलेंगे, वहां पर ये एजेंट ऐप नहीं है, क्योंकि LIC ने उनको वहां से हटाकर अपने वेबसाइट पर शिफ्ट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको LIC के वेबसाइट पर जाना होगा www.licindia.in पर, और जब LIC का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, ये देखिए LIC का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जब इस LIC के ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेंगे तो सबसे ऊपर देखिए डाउनलोड LIC ऐप का एक ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में, ये देखिए डाउनलोड LIC एप्स, आप यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर केवल आपको LIC एजेंट ऐप ही नहीं बल्कि LIC के और सारे ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ये टच करेंगे तो ये आपको एक्सटर्नल लिंक की तरफ ले जाएंगे जहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे। ये देखिए LIC डिजिटल, जो कि कस्टमर्स यूज़ करते हैं, कस्टमर्स के लिए हैं ये, इसमें कस्टमर्स ऑनलाइन सर्विसेज सारे प्राप्त कर पाएंगे। LIC एजेंट ऐप, एजेंट और CLI दोनों ही इसको यूज़ कर पाएंगे, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी ऐप्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो भी LIC के ऐप हैं वो सारे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। जैसे देखिए नीचे LIC प्रगति ऐप, जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरी ऐप जो है LIC एसोसिएट के लिए है। उसके बाद आनंदा ऐप, जिसके द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी कर पाएंगे आधार KYC के द्वारा। LIC प्रतिदि ऐप, SBM जो यूज़ करते हैं, ABMs। इसके अतिरिक्त और भी जो इम्पोर्टेंट एक ऐप है नीचे जीवन साक्ष्य, जिसके द्वारा ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है, जिसको रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं LIC के, और जो भी एन्यूटी के प्लान लिए हुए कस्टमर्स हैं वो भी इसको यूज़ करके अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। आइए अब इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे उसको समझते हैं। चलिए LIC एजेंट ऐप एंड्रॉयड ऐप के लिए या एप्पल के लिए, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए एंड्रॉयड ऐप पे टच करते हैं, डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप, यहाँ पे टच किया। ये एप्पल स्टोर के लिए है, जो एप्पल का फोन यूज करते हैं उनके लिए है। डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप पर टच किया, जिस ईमेल से आप प्ले स्टोर यूज करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का APK ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे नहीं बल्कि आपको इसका APK डाउनलोड करना है, तो इस कारण इस तरह का ऑप्शन आता है। तो ये APK डाउनलोड करने के लिए, जो कि एक्सटर्नल साइट से होता है, यहाँ पर टच करेंगे। अब जिसका परमिशन दिया हुआ अलाउड नहीं होता है, बहुत सारे मोबाइल्स में परमिशन को ऑफ करके रखते हैं किसी भी साइट के लिए, तो वो फिर ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल नहीं होगी, उस परमिशन को अलाउ करना होगा, उसके बाद ही वो इंस्टॉल होगी। चलिए देखिए डाउनलोड हो गया सेटिंग, और अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के कारण से इंस्टॉल अननोन ऐप्स को यहाँ पर लॉक किया हुआ है, तो सेटिंग पे जा करके इसको अनलॉक करना होगा या अलाउ करना होगा। ये देखिए यहाँ पे चूंकि ड्राइव के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे, आपका जो भी ऑप्शन आएगा आप उसको अलाउ कर लेंगे। क्रोम का अगर ऑप्शन आएगा तो उसको आप अलाउ करेंगे, या आप जो भी अन्य ऑप्शन आएंगे उसको अलाउ कर लेनी होगी, और जैसे ही अलाउ करेंगे तो फिर वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो चूंकि ये ड्राइव के थ्रू यहाँ किया जा रहा है, इस कारण यहाँ पे उसको अलाउ कर लेंगे। दोबारा से एक बार देख लीजिए उसको फिर से, जैसे ही वहाँ पे टच करेंगे तो ये अलाउ कर दिया और इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। जैसे इंस्टॉल पे टच करेंगे ये इंस्टॉल हो रहा है, ऐप इंस्टॉल्ड। अब इसको ओपन करेंगे, अब इसमें कुछ परमिशंस मांगे जिनको आपको अलाउ करना होगा, ये सारे परमिशंस को आप अलाउ कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ गया, देखिए
ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टच करेंगे और टच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे यूजर आईडी पासवर्ड। ये यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप इसको लॉगिन कर लेंगे, साइन इन कर लेंगे और फिर इसका यूज करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।